नोट एट प्रो। हाँ गाइज, आप लोगों यहाँ पे बताया रेडमी का नोट एट प्रो जो है बहुत दिनों से मतलब लीक्स में चल रहा है, और अब गाइज यहाँ पे हमें कंफर्मली पता भी चल गया था 29 अगस्त को ये चाइना के अंदर लॉन्च हो रहा है और ये इंडिया में सितंबर के मंथ में आने वाला है। और इस फोन में हम इसी फोन के बारे में बात करने वाले हैं, इस फोन की प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लिए सब्सक्राइब आपने नहीं किया। आज का वीडियो जो रेडमी का नोट एट प्रो होगा ये एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन आपको देखने मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो रेडमी का नोट 7 प्रो था वो भी एक बहुत ही बढ़िया फोन था और अंडर 15,000 में बहुत अच्छा चला, अभी भी चल रहा है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इस फोन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस बताया लॉन्च डेट, तो ये आपको 9 अगस्त को आपको चाइना के अंदर देखने मिलने वाला है। इंडिया के अंदर बात करता हूँ तो ये इंडिया के अंदर आपको देखने मिलने वाला है, इस बोला जा रहा है मिड सितंबर के मंथ में आपको इंडिया के अंदर देखने मिल जाएगा, मतलब 15 सितंबर के करीब आपको देखने मिल जाएगा। तो एंड में भी मिल सकता है, बट सितंबर के मंथ में बोला जा रहा है कि आपको रेडमी का नोट 8 प्रो देखने मिल जाएगा। तो बढ़िया बात है, ज़्यादा मतलब अब ज़्यादा इंतजार नहीं है, थोड़े दिन ही बचे हैं, मतलब महीना भी आप बोल सकते हैं। बात हाँ वैसे दिन ही बचे, तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अब इस फोन के महीना या मंथ आपको बचा है, बात कर लेते हैं कि आप इस फोन के कुछ प्राइस सेगमेंट बारे में, क्या इस फोन का प्राइस होने वाला है। तो इस फोन का जो प्राइस होगा ये आपको अंडर 15,000 रुपीज़ ही आएगा, जैसे आप लोगों को Redmi Note 7 Pro मिला था वैसे ही कुछ इसकी भी प्राइस रेंज होगी, अंडर 15,000 रुपीज़। ये जो सीरीज़ है अंडर 15,000 ही होने वाली है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होगा, तो अंडर 15,000 आपको इसके प्राइस देखने मिल जाएगी, और उसके बाद वेरियंट्स आते रहेंगे। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अभी इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, हमें क्या क्या इस फोन में स्पेसिफिकेशन देखने मिलने वाली है। सबसे बात करता हूँ बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में, तो बिल्ड एंड डिज़ाइन इस फोन का बहुत लाजवाब होने वाला है। Redmi K20 जैसा डिज़ाइन है वैसे ही हमें कुछ ग्लास बॉडी देखने मिल जाएगी, क्वाड कैमराज मिल जाएंगे, और इसमें हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिला रियर में, तो इसमें भी बात कन्फर्म होती है। डिस्प्ले में बात करता हूं, तो डिजाइन वाइज ये फोन बढ़िया होने वाला है। डिस्प्ले में बात करूंगा तो यहां पे बोला जा रहा है 6.4 इंच का एक फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले मिलेगा, जो एक आईपीएस पैनल होगा और एक वाटर ड्रॉप नॉच होगी। तो ये मेरे को यहां पे लग रहा था कि कुछ ना कुछ शाओमी को नया करना चाहिए था, बट यहां पे नहीं आपको एमोलेड पैनल मिला, नहीं फुल व्यू डिस्प्ले मिला, मैं एक्सपेक्टेशंस खत्म। तो डिस्प्ले वाइज ठीक ठाक बोल सकते हैं, 15,000 रुपए में हमें ठीक ठाक मिल गई है, बट वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी और आपको इसमें फिजिकल में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। तो डिस्प्ले वाइज ये फोन आप बोल सकते हैं ठीक ठाक मिल जाता है। बात कर लेते हैं यहां पे अब इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, कौन सा प्रोसेसर इस फोन में देखने मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस में मिलने वाला है मीडियाटेक का G93 का प्रोसेसर, जो एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, एंड इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर मुझे इस फोन में लगा है, बिकॉज परफॉर्मेंस वाइज रियली यहाँ पर रेडमी का नोट 8 प्रो जो है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आप मुझे मैंने बताएगा आपको इस बारे में क्या लगता है। इस बात कर लेते हैं आप यहाँ पे इस फोन के बारे में बात करता हूँ, तो कहीं यहाँ पे हम बहुत ही बढ़िया कैमराज देखने मिल जाएंगे इस फोन में, वो भी क्वाड कैमराज। मेन सेंसर जो होगा वो 64 मेगापिक्सल का सेंसर, जो सैमसंग का G1 वाला सेंसर होने वाला है। कैमरा वाइज रियली ये बहुत ही बढ़िया, और इसका जो मेन सेंसर है ना वही इतना अच्छा काम कर देगा, तो आपको बहुत ही बढ़िया इसका कैमरा मिल जाएगा। तो ये बात कन्फर्म हो चुकी है इनकी तरफ से, तो 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर, टेलीस्कोप, जो भी लेंस आएंगे वो आते रहेंगे, तो आपको चार कैमरा इस फोन के अंदर देखने मिल जाएंगे। सेल्फी कैमरा अगर बात करते हैं तो सेल्फी कैमरा में अभी कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं पता चल गया है, बट बोला जा रहा है कि 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिल सकती है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो आई थिंक बोल सकता हूँ 20 मेगापिक्सल सेल्फी एक अच्छी बात है, एंड आपको एक अच्छी सेल्फी इस फोन में देखने मिल जाएगी। बात कर लेते हैं आपके इस फोन के कुछ बैटरी के बारे में, क्या बैटरी हमें इस फोन में देखने मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं इसमें हमें 4,500 mAh की बैटरी मिलेगी। आपको पता है Redmi Note 7 Pro में सिर्फ 4 की थी, बट मतलब 4,000 भी बहुत है, बट हाँ इस बार हमें 4,500 mAh की बैटरी मिलेगी और टाइप सी तो होगा, और फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी। अब ये नहीं पता बॉक्स के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगा कि नहीं, कि आपको अलग से हमें खरीदना पड़ेगा ये नहीं पता, बट हाँ आपको बैटरी बहुत ही हमें बहुत ही बड़ी देखने मिल जा रही है, वो भी 4,500 mAh और टाइप सी भी है, तो बढ़िया बात है। यू अगर बात करता हूँ एंड्रॉइड एंड ऑफ द बॉक्स आएगा, ये MIUI 10 के साथ ही रन करेगा, शायद MIUI 11 आ जाए तो बात अलग है, बट हाँ गाइस ये पूरा Redmi का Note 8 Pro, एंड डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये जो फोन है ये एक जगह थोड़ा सा मुझे लगा, मतलब अब देखते हैं प्राइस वाइज तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता, सबसे मेन थिंग मुझे लगा इसका डिजाइन बहुत ही, इसका मुझे डिजाइन लगा आप देखते हैं अंडर 15,000 में पे ग्लास बॉडी देखने मिल रही है, तो डिजाइन वाइज ये फोन आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है इस प्राइस के हिसाब से। देन सेकंड पॉइंट मुझे इसका मुझे यहाँ पे प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया लगा, MediaTek का G90 का प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है। थर्ड थिंग 64 मेगापिक्सल कैमरा अंडर 15,000, ये एक बहुत बढ़िया बात है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इस फोन में 4,500 mAh की बैटरी। तो इस बार Redmi ने एक फुल ऑफ बोल सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया काम किया है, एंड हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और Redmi Note 8 Pro अप्रिशिएट किया है, कंपनी ऐसी, बट हाँ मैं बात में यही बोलूँगा Redmi जो प्राइस सही रखता है मैं ये बोलता हूँ, बट आज भी सही प्राइस रखते हैं, बिकॉज आपको पता है गाइस यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ पे Redmi मतलब प्राइस ओवर प्राइस कर दे रहा है, मतलब Redmi K20 की थोड़ी प्राइस ओवर हो गई, तो अब देखते हैं इस बार क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको इस बारे में क्या राय है, इस फोन का प्राइस बस अच्छा हो जाए ना तो बहुत ही बढ़िया फोन हो सकता है। एंड ये था मेरा वीडियो, आप लोग तो मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है Redmi K20 के बारे में। मैंने आप लोगों को बता दी कुछ कुछ ऐसे फीचर्स जो मुझे इस फोन के बहुत ही बढ़िया लगे, एंड मस्ट आप लोगों को वेट करना चाहिए। अब वेट हाँ बहुत सारे कि भाई वेट करें क्या नहीं करें, मैं बोलूँगा वेट कर लो, बिकॉज
बिकॉज रियलमी 5 प्रो, हाँ, और यहाँ पर बहुत सारे लोग का जो कंपेरिजन चल रहा है कि रियलमी 5 प्रो बेटर होने वाले क्या रेडमी का नोट 8 प्रो, तो मुझे इतना लगता है अब देख लेते हैं, आने देते हैं फ़ोनों को, फिर पता चलेगा बिकॉज प्राइस क्या होती है, क्या स्पेसिफिकेशन अलग होती है इंडिया में, ये सब देखना पड़ेगा। और वाइज आप लोग वीडियो पसंद आए तो जरूर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।